देखिए गुड मुसलमान किसको बताया जा रहा है, मुझे दुख है। हाँ। गुड मुसलमान जाकिर नायक, गुड मुसलमान याकूब मेमन को बचा रहे हैं लोग कि नहीं, ही वॉज हैंग बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। गुड मुसलमान आपका अफजल गुरु, मगर अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम वास्तविक रूप में एक, आप देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है। जब औरंगजेब के रोड को अब्दुल कलाम रोड बनाया गया, ये सारे छाती पीट पीट के हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, पूछिए ये सारे रो रहे थे हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, ये सारों की हालत ऐसी। और ये जॉन दयाल फोटो खींच रहे हैं मेरी, ये जॉन दयाल तो अमेरिका गए थे कंप्लेंट करने के लिए, हाय मेरा बिलुआ क्लिंटन ट्रंप, ये हम इंडिया में क्या हो, पूछिए आप अमेरिका गए थे ना कंप्लेंट, जॉन दयाल सर, जॉन दयाल सर जब वो बोल रहे थे तो आप इनकार कर रहे थे, कहाँ गलत कह रहे हैं वो? नहीं नहीं, मोदी और मैं हमेशा अमेरिका जाते रहते हैं, क्यों ना जाए, मगर ये मोदी बन गए एक बार में जॉन, चुप रहो यार बोलते जाता तो उम्र हो गई मगर बात करने की तबीयत नहीं आई। आप आपके राज में जो भाषा है वो है, वो पुराना फ्रेज है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। औरंगजेब बाबर की औलाद फारसी नहीं थी, ये तैमूर की सुल्तान है, मंगोल थी, इनका फारसी क्योंकि उस जमाने में पढ़े लिखों की भाषा थी, जैसे उसके पहले लैटिन थी वगैरह वगैरह, ग्रीक थी, तो ये आप थी, ये आप नहीं था, ये आप ग्रीक, ग्रीक में संस्कृत लैटिन कहीं लगते हैं कि लैटिन अमेरिका के नहीं इंडिया के, देखिए मैं दिस इज नहीं अंजना जी, ये जो आपने बताइए बदतमीजी, बदतमीजी कोई भाजपा के, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अपने देश के फारसी था, आप बोलने देंगे क्या, पहले लैटिन, आप बोलने देंगे क्या, संस्कृत कहीं नहीं, आप जुबान बंद करके बोलो क्या, आप सच्चे अपने आप किस तरह के, आप जुबान काटेंगे क्या, आप लोगों की जुबान काटेंगे, ये ठीक है संजीव जी, ये औरंगजेब की आदत है, बोलिए ये औरंगजेब की आदत है, आप मैं आपको सिखो है, देखिए आप तो मोहम्मद का सुनिए, आगे कार्ल मार्क्स और आगे और क्या, कार्ल मार्क्स तो आया, एक सेकंड एक ही करते, कोई नया प्लीज एक सेकंड, तरह का भगवान तो नहीं आ गया साहब, अपना पॉइंट बनाए, नया भगवान मतलब क्या है, आप आप सो आई वांट टू नो दिस, नो होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, अलाउ मी भगवान, यू आर नॉट विद मी, डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट, आज आप को छोड़ नहीं जाएगा, आप नहीं छोड़े, हम आपको बोल रहे हैं, ये भगवान मतलब इसी चले, एक होता है गुंडा कर दी, आप बता सुनो तब बताओ, ये गुंडा कर दी, नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये नया भगवान कह रहा हूं, ये गुंडा कर दी, ये लोग प्लीज सर बीच में नहीं, ये लोग का मुंह बंद करो, ठीक है एक ही करके बोल, ठीक अल्लाह भी कहा, अच्छा ठीक है आएंगे उनके पास आएंगे तो पूछ लीजिएगा सर जी, क्या होता है जो दूसरों को बोलने नहीं देता वो नया भगवान होता है और वो पिट भी जाता है, जॉन दयाल भगवान कौन, किसको बोला आप, भारत की नहीं विश्व की हिस्ट्री देखिए, एक राजा बताइए जो क्रूर नहीं था, एक राजा बताइए जो क्रूर नहीं था, रामचंद्र क्रूर नहीं थे, ठीक है उनको बात पूरी करने दीजिए, पर जरा पॉइंट तो समझो, इतिहास कहा है लिटरेचर नहीं कहा है, भगवान कृष्ण एक भगवान दिखाइए जो क्रूर था, एक भगवान दिखाइए जो क्रूर था और एक राजा दिखाइए जो क्रूर ना, अच्छा है कम से कम राम को भगवान तो मानते हैं, राम तो, राम तो, अरे राम तो आपके भगवान है हमारे भी, चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब आप ये जो आज का जो बुरा मुसलमान अच्छा मुसलमान कर रहे हैं, अगर मैं काउंटर सवाल पूछूं, राजा मान सिंह अच्छे हिंदू थे या बुरे हिंदू थे जिन्होंने अपनी बहन एक मुगल बादशाह को दी, ये बताइए आप, ये किस, ये कैसी बहस है, ये कैसी अजीब बहस है, किस अजीब समय में हो रही है, किस अजीब नियत से हो रही है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, रागी साहब जल्दी से जवाब, देखिए बहस बहुत साफ है कि इस देश को बार बार आप कहते हैं जब भी कुछ हत्या या हिंसा होती कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, तो इस गंगा जमुनी तहजीब में ये तो नहीं हो सकता कि इस्लाम जो है एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन बने, वो दूसरों के साथ साथ चलने की कोशिश ही नहीं करे, आप क्या आप कहते हैं कि जो हमारा जो उद्धार होगा वो बाइबिल के अतिरिक्त और किसी से हो ही नहीं सकता, उनका सवाल कुछ और है, नहीं नहीं क्वेश्चन पेपर तो पढ़िए फिर आंसर शीट आपका कुछ और लिखने लगे, अरे जो क्वेश्चन है प्रभु उसी का जवाब दीजिएगा ना, आपने जो प्रश्न क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम में अच्छा और बुरा आता है तो हिंदुओं में भी तो अच्छा बुरा आ सकता है ना, सिंपल सवाल, अच्छा बुरा हर जगह है, लेकिन जब औरंगजेब और दारा सिको की बात की जाती है तो इसीलिए कही जाती है कि एक जो था वो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन की तरह साथ समन्वयवादी की तरह था और दूसरा एक था औरंगजेब जो कह रहा था कि तलवार के बल पे जितने हम गाड़ी बनने के लिए तैयार हैं हम हिंदुओं को मारेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, उनके टेंपल्स गिराएंगे,
तो एक तो ये हिंसा की भाषा ये थी। मैं इसलिए कहता हूं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक्सक्लूसिविस्ट डॉक्ट्रिन है, वो अकेला दूसरों को होमोजेनाइज करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जहां इस्लाम गया वहां सारे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया, क्रिश्चियनिटी यूरोप में गई तो सभी को, आपने कभी हिंदुइज्म को ऐसा देखा है करते हुए? भारत एक अकेला, सुन लीजिए, भारत में यह संघर्ष इसीलिए हुआ, बैठ के भाजते रहे, सुन लीजिए, भारत एक अरे यार आप पूरी गए क्या? अरे सुनिए तो सही ना, हाँ पूरी में आप क्या करते हैं हम बताते हैं, आप क्या करते हैं हम जानते हैं, पूरी में क्या करते हैं कि एक क्रिश्चियन मिशनरी का पूरी से आप भाग गए और बोले ये तो ये दो लकड़ी का है ना, जगन्नाथ जी लकड़ी के लिए एक रखते हैं और दूसरा क्राइस्ट जो है वो लोहे के रखते हैं, माचिस लगाते हैं, कहते हैं देखो ये तो हमारे क्राइस्ट तो जलते नहीं है, तुम्हारे जगन्नाथ जी जलते हैं। अच्छा जॉन डेल जी ये सब करते हैं, मजबूत है। अरे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है, हमारी रिपोर्टिंग नहीं है।